यू नो मिड 80s में हत्या फिल्म, गोविंदा की हत्या फिल्म रिलीज हुई थी जो बहुत बड़ी हिट हुई थी। अब इस फिल्म के बाद गोविंदा और उनके भाई कीर्ति कुमार ने एक ग्रैंड फिल्म लॉन्च की जिसका नाम था राधा का संगम। ऑल ओवर इंडिया में उसके ऑडिशंस यानी कि स्क्रीन टेस्ट हो रहे थे, हर जगह पोस्टर्स लगे थे, दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू हीरोइन और वो न्यू हीरोइन हुई थी दिव्या भारती। She was into the all the biggest films like Kshatriya ya ke Deewana le lo and you know all JP Datta se leke Hema Malini, everyone wanted to sign Divya Bharti. So that was the beginning of Divya Bharti and the first film to get released was Vishwatma. के बाद अगर आप देखो तो जस्ट शी वाज जस्ट फ्यू मंथ्स ओल्ड एंड शी वाज ऑलरेडी डूइंग फिल्म्स जहां पर वो हीरो के एटपार थी। दीवाना में शी हैड इक्विवेलेंट रोल विद ऋषि कपूर एंड शाहरुख खान, या कि गीत फिल्म में जो अविनाश वाधवान से बड़ा रोल था उनका, दिल आशनाने में शाहरुख खान की जो ओरिजिनली फर्स्ट साइन फिल्म थी, शी हैड बिगर रोल देन शाहरुख खान एंड इवन बिगर रोल देन बाकी के पुराने एक्टर्स लाइक जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, डिम्पल कापड़िया, अमृता सिंह, ये सबसे भी बड़ा रोल उनका था। So that's how, that was the power of Divya Bharti. अंधे हो जो दिखता नहीं है? बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? जी नहीं, आपके अब्बा का इंतजार कर रहा था ताकि वो आकर आटा गूंदे। मेरे पापा का नाम लेता है यू? आराम से बोल, नाजुक कलाई है तुम्हारी, मुड़ जाएगी। छोड़ो मेरा हाथ, पहले मेरा सामान उठाओ। एवरी एक्टर वॉन्टेड टू एक्ट विद दिव्या भारती, शाहरुख छोड़ो, सलमान वर्मा, सबको उनके साथ काम करना। उसकी अक्षय कुमार के साथ दो फिल्में आ रही थी, जैकी के साथ फिल्में थी, वो सब शेल्ड हो गई, वो सारी फिल्में शेल्ड हो गई बिकॉज ऑफ अ डेथ। तो ऑफकोर्स 100% शी वुड हैव बीन नंबर वन एट दैट स्टेज। उनके वजह से रवीना टंडन को थोड़ा करियर स्पैन मिल गया, पूजा भट्ट को मिल गया, काफी बाकी जितनी भी एक्ट्रेस थी दे ऑल गॉट लिटिल वाइडर करियर स्पैन, बट थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट।